अब बात करते हैं रीवा जिले की, जहां पान के व्यापारी प्रभाकर साहू उर्फ लाला पिता श्यामदास साहू उम्र 32 वर्ष निवासी अशोक नगर नगरी थाने में लूटपाट एवं मारपीट का एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 18 अगस्त को रोज की तरह वह अपनी दुकान बंद कर 10:30 बजे अपने घर एक्टिवा स्कूटी से जा रहे थे। उनके साथ उनका नौकर भी था। जैसे ही वह पांडेन टोला के पास पहुंचे तो काले कलर की मोटरसाइकिल से 2-3 लड़के उतरे और उनके नौकर को धक्का दे दिया और उनकी स्कूटी लेकर भाग गए, जिसमें 3 लाख के करीब रुपए रखे हुए थे, जिसे लेकर आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस अधीक्षक रीवा नवनीत भसीन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर, नगर पुलिस अधीक्षक उमेश प्रजापति के निर्देशन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक आदित्य प्रताप सिंह परिहार के नेतृत्व में घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल शहर में सभी जगह नाकाबंदी कर आरोपी के ठिकानों में दबिश देते हुए पता तलाश की गई, जिसमें आरोपी को सीसीटीवी कैमरे में स्कूटी लेकर भागते हुए देखा गया। सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की पहचान की गई, जिसमें आरोपी दुर्गेश उर्फ चुन्नू प्रजापति को स्कूटी से जाते देखा गया। आरोपी चुन्नू प्रजापति और उसके साथियों की पता तलाश आसपास के सभी जगहों में की गई। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आरोपी चुन्नू प्रजापति रानी तालाब के पास देखा गया है, जिसे तत्काल कोतवाली पुलिस टीम ने रानी तालाब में घेराबंदी कर अभिरक्षा में लिया गया है। अभिरक्षा में लेने के बाद विस्तृत पूछताछ करने पर आरोपी ने गुनाह कबूल कर लिया है और उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों के पास से 56,000 नकदी एवं एक स्कूटी कीमत 70,000, कुल कीमत तकरीबन 1,26,000 रुपए बरामद किया गया है। इस कार्यवाही में निरीक्षक आदित्य प्रताप सिंह परिहार थाना सिटी कोतवाली रीवा, उप निरीक्षक प्रवीण उपाध्याय, राम प्रसाद प्रजापति, सहायक उप निरीक्षक महेंद्र त्रिपाठी, प्रधान आरक्षक विनोद तिवारी, राजेंद्र पांडे, बलराम पासी, राजकुमार तिवारी, तुलसीदास साकेत, आरक्षक अंशुमान सोनी, रवि पांडे, जितेंद्र सेन, अभिषेक सिंह, देवेंद्र सिंह एवं मोहिउद्दीन खान शामिल रहे। दिनांक 18/8 को रात में 10:30 बजे एक प्रभाकर साहू उर्फ लाला व्यापारी हैं, जो कि पान मसाले का थोक का व्यापार करते हैं, धोबिया टंकी में कटरा में उनकी दुकान है और निवास उनका है अशोक नगर पांडेन टोला के सामने, जो रानी तालाब के सामने, तो वहाँ वो प्रतिदिन अपनी दुकान 10-10:30 बजे बंद करके और घर जाया करते थे। उस दिनांक को भी वो अपने 10:30 बजे दुकान बंद करके जा रहे थे स्कूटी में, और जो दिन भर का बिक्री का पैसा था वो प्रतिदिन अपना स्कूटर की डिग्गी में रख के और ले जाते थे, और पीछे पीछे उनका नौकर जो था दुकान में काम करता था वो प्रतिदिन उनको छोड़ने जाता था घर तक। उस दिन भी वो पीछे पीछे जा रहा था और करीब 10:30 बजे के आसपास हजारी चौराहे के आगे और पांडेन टोला स्कूल के पहले जैसे ही पहुँचे हैं तो दो लड़के एक मोटरसाइकिल से सामने से बेड़ा लगा दिए गाड़ी को, तो ये गिर गए, मोटरसाइकिल वाला भी गिर गया, भिड़ा दिए लाके और ये भी गिर गया। तब तक पीछे से लड़के पहुँचे हैं और ये जब तक उठे तो फिर इनके साथ मारपीट करना चालू कर दिए, धक्का दे के गिरा दिए, और जो उन्हीं में से इन्हीं लड़कों में से दो लड़के स्कूटी इनकी ले करके छीन करके और भाग गए और बाकी लड़के इधर उधर पैदल भाग गए। इस घटना की रिपोर्ट होने पर तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया जाकर और तलाश की गई, पूरे शहर के सीसीटीवी फुटेज चेक कराए गए लगातार, और मुखबिर जितने थे अपने उन सबको सक्रिय कर दिया गया कि इस तरह की घटना हुई है, पुराने अपराधी जो इस तरह की घटना करते थे उनको ला 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 करके पूछताछ की गई, और लेकिन उनमें से पुराने अपराधियों में से किसी की भी लोकेशन वहाँ नहीं पाई जा रही थी। सीसीटीवी प्लस अपना सीसीटीएनएस, इनसे भी साइबर सेल से भी मदद ली गई लेकिन कोई पता नहीं लग पा रहा था। मुखबिरों के द्वारा ज्ञात हुआ कि घटना दिनांक के 2-3 दिन पहले से चुन्नू प्रजापति, जो कि शातिर अपराधी है, कई बार चाकूबाजी की घटना किया था और मारपीट की घटना किया था, उसका वो वहाँ पर देखा गया है। जब उसके संबंध में पता किया गया, मुखबिर लगाया गया, क्योंकि उसके पहले उसने एक 376 की भी घटना की थी, मतलब इसी घटना के दौरान ही, तो उस संबंध में तलाश की जा रही थी, और जब इस पता लगा तो और तलाश की गई, उसमें फिर चुन्नू को पकड़ा गया, पूछताछ की गई तो उसने घटना करना स्वीकार किया और कई अपने जो गिरोह बनाया था उन सब के नाम उसके द्वारा बताए गए और लूट की राशि भी
उसने अपने बांट लेना सबको, तो उसके पास से, और लगातार वो झूठ भी बोलता जा रहा है। फिर भी हिकमत अकली से उससे पूछताछ की गई तो उसमें से अभी 56,000 रुपये उसने बरामद कराए हैं, बाकी शेष बांट देना कुछ अभी और उसके पास है, और जिसके बारे में कभी कहीं बताता है कभी कहीं बताता है, तो उसकी संबंध में पुलिस रिमांड के लिए आज उसको गिरफ्तार करके भेजा गया है और पुलिस रिमांड लिया जाकर शेष राशि भी जब्त की जाएगी, और शेष अपराधी जो नाम आए हैं उनके भी पकड़ धकड़ के लिए पूरे प्रयास टीमें बना दी गई हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जा करके और शेष राशि जब्त की जाएगी। लूटी गई स्कूटी जिससे कि घटना जिसमें पैसा था, आरोपियों के द्वारा तत्काल घटना के पश्चात ही धोबिया टंकी के आगे बुढ़वा टंकी के सामने जो अंदर गली जाती है वहाँ पर एक संदिग्ध स्थान में, जिससे कि बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, स्कूटी को उससे पैसा निकाल करके उसे लावारिस छोड़ दिया गया था, जिसको कि पूर्व में ही जब्त किया जा चुका है। इसी घटनाक्रम में जो अपना चुन्नू आरोपी है ये एक 376 का भी अपराध घटित किया है। धोबिया टंकी में एक लड़की के अपहरण की सूचना आई थी नाबालिग की, जिस पर अपराध पंजीवृत किया गया था, और जब ये पुलिस उसको घेरा तलाश करने लगी लड़की को तो काफ़ी दबाव हुआ, तो उसने लड़की को छोड़ दिया था, जो वापस आ करके उसके द्वारा बताया गया कि उसने मुझे शादी का प्रलोभन दे करके और मुझे अपहरण किया था और मेरे साथ बलात्कार की घटना की है, उसका भी मेडिकल परीक्षण कराया जाकर 376 की धारा बढ़ाई गई उसमें, और उस मामले में भी इसको दुर्गेश को चुन्नू को गिरफ्तार किया जाकर आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।